आपको बता दें, यह सब तो आप जानते ही हैं कि शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी। तभी से इसको हिंदू धर्म में काफी ज्यादा पवित्र भी माना जाता है। अक्सर लोग अपने घरों में शंख को पूजा घर में रखते हैं और इसे रोजाना बजाते भी हैं। जब भी कोई बड़ा अनुष्ठान या पूजा पाठ होता है तो उसकी सबसे पहले शंख बजाया जाता है। उसके आधार पर यह भी तय होता है कि आसपास के लोगों की इस बात की पता चल सके कि इसमें घर में या कहीं बाहर कोई भी अनुष्ठान या पूजा होने जा रही है। कहा जाता है यदि मंगल और धार्मिक कार्यों में इसको बजाना काफी शुभ माना जाता है। विष्णु पुराण में इस बात का जिक्र होता है कि शंख देवी लक्ष्मी जी का भाई है। इससे कई सारे वैज्ञानिक फायदे भी होते हैं। इसे बजाने से व्यक्ति के दिल की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, स्मरण शक्ति बढ़ती है, सांस से संबंधित रोगों से भी मुक्ति मिलती है। कहा जाता है इसकी ध्वनि से रोग दूर हो जाते हैं। शंख तीन तरह के होते हैं, वामावर्ती, दक्षिणावर्ती और मध्यवर्ती। दक्षिणावर्ती शंख भगवान विष्णु का और वामावर्ती शंख माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, जिसके चलते माता लक्ष्मी का भाई शंख होता है। यदि चूने का पानी शंख में भरकर पीने से शरीर में कैल्शियम की कमी ठीक होती है। यदि आप रोजाना शंख बजाते हैं तो इससे वाणी दोष खत्म हो जाता है। शंख की आवाज सुनकर लोगों के मन में सकारात्मक विचार पैदा होते हैं। नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।